गल बड़े पीड़े नहीं है तो मौलवियां च बैठा मैं जेड़े आने नबी माज़ अल्लाह मर गया नबी मर गया माज़ अल्लाह है जी उस अगे पता है तू एवे खल खल के टां टां करने रहने सलाम पढ़ने रहने हो नबी गया मिट्टी ना मिट्टी हो गया वो मिट्टी पियो मिट्टी तुसा ते पैवे सोचो मैं कुरान पेश कर रहा कोई बंदा दलील नहीं पेश करेगा मैं अगे एक जगह खिताब से बयान की थी, दलील मेरी नकल करेगा जड़ा भी करेगा मैं दलील पेश की है जड़े आने न मर गए अदीसा ढूंढने सूफिया ने कलाम ढूंढने यह गल भी आनी इक्तजा उन्ना से दलालत उन्ने से सराहत उन्ना से मैं सराहत उन्ना से बोलना गल सुनो बेकारी कलां दे मुसलमानों इस कैमरे के हवाले से मेरा खिताब जो भी शऊर सुनेगा गोल्ड शीफ का मुरीद सुनेगा पीर मेरेली का मानने वाला सुनेगा गौसे जली का मानने वाला सुनेगा हिंदुल वली का मानने वाला सुनेगा मौला अली का मानने वाला कोई खतीब ना बड़े बड़े खतीब सोने बोलने वाले पर मैंने आज दिया गल्ला भी सुनियो थोड़िया ते बह के पढ़िया ने मैं ना किसी कालजा च गया ने ते ना स्कूलों च गया ने कहना वो मैंने सामने कालजा ले पुत्रा नहीं प्रोफेसर भी कहना मैंने है जी के मैं आख्या सुने आने मेरी मर के मिट्टी हो गया हूं उसे कहे इन्ना का मैयतुन वो इन्ना हम मैयतुन तू भी मरसे थे वो भी मरसे अल्लाह जो आख छोड़े अल्लाह साहब जो आख छोड़े ते अल्लाह हे भी तो आख्या है ना ये फिर कि गल आई अल्लाह इतने और आना है तो उसे और आना है था कुछ अभी बयान अभी कुछ बयान है गोया तेरी जबान के नीचे जबान है अल्लाह जी ये कह पे करने हो इतने मुर्दा पे आने हो जैसे और पे आने हो अल्लाह क्या तो ना कसूर अपने अकला में है और बद शकलो तो सनी अकल कोई नहीं ना शक्ल ने ना अकल ने ना असल ने तेरा नकल ने इंदा का मैयतुन ए कजिया दायमा मुतलका नहीं कजिया दायमा मुतलका नहीं के हमेशा ही तू मैयत रहसे उन लम्हात में एक लम्हे में तुझ पर ये हाल गुजरेगा मनातका के नजदीक ये कजिया दायमा मुतलका नहीं है ये हमेशा ही मोया रह से वो ते हमेशा ते सूरज भी नहीं मरना पांच छह घंटे बाद डुब के फिर सिर कट आना ये रसूलुल्लाह कुल वड्डा राती यही डुबना जिस तरह होता है गया खत्म होना आना ही नहीं तो तुम फिर सिर कटिया होना वो ते है ना भी नहीं मरना वह सुनो मेरा जुमला थैंक यू सारे चंद ते सूरज भी नहीं मारना जान दे दी तीस रोशनी जे पाई
जेड़े चंद ते सूरज ने ज़हूर ना सबबे सुन के आखे अल्लाह मा कान लकुम अंतो जू रसूल अल्लाह है वला अंतन के हू अजवाज हम मिम्बा दे ही अबदा। ओए मुसलमानों, तुम्हें ये जेब नहीं देता कि रसूलुल्लाह को ईजा दो, तकलीफ पहुंचाओ, टॉर्चर करो जहनी तौर पर, तुम्हें जेब नहीं देता। और न तुम्हें ये जेब देता है कि रसूलुल्लाह की वफात के बाद जब तक इसकी बीवियां जिंदा हैं, बकायदे हयात हैं, इनमें से किसी के साथ निकाह करो, ये भी तुम्हें जेब नहीं देता। हजरात, मैं सवाल करना, इतने अगर कोई देवबंदी बैठा है, आलम चोटी ना बैठा है, इलम वाला है, माकूल आके सवाल कर सकना है, मैं हाजिर हूं। ये तो मैदान का खरा है, मेरा दादा मैदान का सी, तो पोतरा मैदान का नहीं। मैं उसी दादे का पोतरा वा, सिर्फ प्राप्ति का वारस नहीं हाँ, मैं दो लफ्जों का भी वारस हाँ। भुलेखा ना खायो, मां पीर सिर्फ समझ रहो, जे गद्दियां ते बह के खाली मुलाकात करते नहीं है, पेड़ तुहाडे सामने वे पेड़ पाया कि नहीं। के मैं आख्या, मैं के आख्या, ते तुसां ए भी जेब नहीं देना के नबी नी वफात तो बाद उसनी बीवी विचू जेड़ी जिंदा होवे, जब तक वो जिंदा रहे उस नाल तुसी निकाह करो, ए तुसां जेब नहीं देना। और दो जुमले मां का ना लको मन तो दू रसूल अल्लाह है अजियत दो, ठीक है जी, ये तो जाहिरी जिंदगी ला ली, इसे ये समझा जाता कि ये हुक्म दिया गया कि जब जाहिरी हयात में रसूलुल्लाह सांस ले रहे थे, इसका ताल्लुक इस जुमले के साथ है, मा काना लकुम अन तुज़ू रसूलल्लाह। लेकिन अल्लाह ने ये जो बात कह दी, वला अंतन के हु अज़वाजहु मिन बादिही अबदा, जब तक इसकी बीवियां जिंदा रहें, रसूलुल्लाह के वफात के बाद भी तुम उनके साथ निकाह न करना। ओए, जे नबी मर गया हो गया ते इजात है, तकलीफ जीनिया पहुंचनी या मोया पहुंचनी। इंसाफ करो, ये दलील मेरी है, मैं कुरान मुताला करता, कोई पता दलील ना लिखी, मैं पेश की थी। ते निकाह ना करो, जे नबी मर गए ते उस तकलीफ मोया तकलीफ होनी, तकलीफ जीने होनी, मतलब ये कुरान पे आना है, नबी होन भी जीना है कब्रां च, ते होन जेड़े असी उठ के कदे दरूद शरीफ या मिलाद शरीफ जो जो उसके पढ़ छोड़ने हैं, ते जेड़ा जीना होना है वो तकना भी होना है। अच्छा, ते एक और गल मैं करा, एक कोई नहीं आहना, मरने ने तो सारी गल करने ने मर जोगे, मरने जोगे, लेकिन एक कोई नहीं आहना के आप तो दुनिया तू गए 1400 साल हो गए, लेकिन कब्रां विच मरने तो बंदे हो नहीं पे, ना तो क्या मत तक मरने बैसन, ते हूं कौन आना है कब्रां चो, नबी तो टोल गया, कौन आना हूं, जे तुसी आखे हो सुनो हर पासू चट्टा बंद कर सा, पुत्र मैना कितने
तू आखे नहीं जी उन्हां दी फोटो आनी है जे तू बैठो बड़े मजे की गल जे तू आखे जे फोटो आनी है आप तां गया मर गया तो फिर फोटो जायज होई ना उसने अक्स आना अक्स ट्वीटर ने नजदीक आराम है अल्लाह जरा अक्स भेजना है वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा समझ आई के मैं आख्या के तस्वीर आई है जी उसे तस्वीर आई है तुसा भी तस्वीर बना के भेजा कुरान आना है सब रुकम फिर अरहाम है माओ ने पेटा च मैं तस्वीर बनाना बंदा कैमरे तो बगैर कैमरे तो बगैर कैमरे जरा गल आनी भैया कैमरे भी कैमरे हाँ तस्वीर पे बनाना है माओ ने रामा में मतलब ये हराम है ते तू फिर अपना वजूद तक एक केड़े खाते ने अब थक गया तू ये तस्वीर हराम है ते यो सब रो कौन फिर हराम है अल्लाह मतलब नाजायज काम कर रहा है टिड्डा च तस्वीर च बनाना रहा उधरू आने सुन्नत अल्लाह है अल्लाह की सुन्नत चलो सुन्नत रसूल उते कि सुन्नत अल्लाह उते वे सुन्नत अल्लाह उते सुन्नत सब रुकम फिल हराम कैफ आई अच्छा जे कद ये हराम है तो तू फिर के शह में दस मान नसब अपना दस एडिया ब्रेक ना लाया कर शरीयत च फोटो हराम है बिदत है नोट पाए खब्बे जेबे कोली सा खब्बे हथे हां जी जिले नाल उत्ते बाबा कादी आजम उत्ते सुन्नत ना भी ख्याल नहीं बाबे ने दाढ़ी मुन्नी है अखे दाढ़ी मुन्ने नाल नफरत है ते ए के लगनी